आने वाले समय में कई ऐसे लोग जुड़ेंगे जो बच्चों को जब पता चलेगा ना, बच्चा बोलेगा कि यार ये गेम तो यार असली गेम तो यही था, और मेरे इसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कि सर आपकी भविष्यवाणी सही है। क्या स्योर शॉट सिलेक्शन ढूंढ रहे? आपके एक साल बर्बाद हुआ है, दुख लग रहा होगा, शर्म भी आ रही होगी, गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन ये एक साल में गुस्से को आप सिलेक्शन में बदल सकते हैं। Do you want to increase your chances in your selection? अगर हाँ आंसर है तो ही वीडियो देखिएगा। देखिए कहीं से भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन आप ये चीजें जरूर करना। आपको सबसे पहले हर चैप्टर वाइज चैप्टर डिटेल्ड लेक्चर चाहिए होगा, और वो भी नीट ओरिएंटेड। बहुत ज्यादा पढ़ा देते, बहुत कम पढ़ा देते, गलत है। एकदम टू द पॉइंट नीट का लेक्चर चाहिए, फिर एनसीईआरटी रीडिंग चाहिए। ब्रो डायरेक्ट रीडिंग करना है आपको। उसके बाद बच्चों मैं बताऊं आपको, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करो इसके बाद, और फिर स्टडी मटेरियल करो। मुझे ईमानदारी से बताओ, क्या आप कोटा गए थे डायरेक्ट यहां से यहां जंप कर रहे थे? क्या आप कोचिंग मटेरियल में कोचिंग से पढ़ रहे थे यहां से यहां मटेरियल? लेकिन वो तरीका ही नहीं है, वो तो शॉर्टकट है। शॉर्टकट से सिलेक्शन होगा? नहीं होगा। अब आइए बेटा एग्जैक्ट, पहले डिटेल लेक्चर, फिर एनसीईआरटी, और फिर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, और फिर आपको स्टडी मटेरियल सॉल्व करना है, तब जाके ये स्मूथ सॉल्व होगा। और रात में सोने से पहले रिवीजन भी करवाऊंगा, टेस्ट भी करवाऊंगा। हर दिन टेस्ट संभव नहीं है, लेकिन बहुत मेजर आपको टेस्ट यहां पे मिलेंगे, हर 15 दिन में मिलेगा। और हमारी चीजें देखो आप कि बॉस आप डिटेल लेक्चर किए हो कि नहीं किए, हम चेक करेंगे। हमसे पढ़ना है तो बेटा पढ़ना पड़ेगा, हम चेक करेंगे, परेशान करेंगे भाई, पढ़ना पड़ेगा, टारगेट देंगे, कंप्लीट करना पड़ेगा। देयर इज अ चेक हियर। आपको एनसीईआरटी रीडिंग करवा के फिर चेक करेंगे क्वेश्चन करवा के, अगर पढ़े होगे तो होगा, नहीं होगा क्योंकि एग्जैक्टली सेम लाइन यहां पे पूछा जाएगा। ब्रो स्टडी मटेरियल बॉस आपको करना पड़ेगा यहां पे, और वो भी हम चेक करेंगे आपने किया कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? आपको हमें अपलोड करके बताना होगा, आपको फोटो खींच के बताना होगा, वीडियो करके बताना होगा। इसके बाद आपको रिवीजन भी करवाएंगे, हर दिन शॉर्ट नोट्स बनवाएंगे आपसे, और फिर जाके स्टडी गार्जियन आपको बताएगा। अगर स्टडी गार्जियन ओके रिपोर्ट देता है आपका, हर एक का स्टडी गार्जियन अलग होगा, और आपका स्टडी गार्जियन अगर रिपोर्ट हमें देता है, वो मेंटोर आपको बताएगा कि बस हाँ ये इसका सही ट्रैक पे चल रहा है। हम आपका ग्राफ भी बता देंगे कहां से कहां पहुंचे आप कितने दिन में, और फास्टेस्ट डाउट रिमूवल। कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की परेशानी पढ़ाई से रिलेटेड डाउट कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अच्छे से नहीं हो रहा, हमने इंश्योर किया है कि आपका फास्टेस्ट डाउट रिमूवल हो। और ये सारी चीजें हो रही है 22 तारीख से, स्टार्टिंग फ्रॉम 22, ठीक है, एफोर्डेबल वे में, सिंपल है, कोई कमीशन नहीं है, बस जो आएगा वहां पे खर्च होगा। और या तो आप सीधा डिस्क्रिप्शन में ले लीजिए, कोई भी डाउट आ रहा है तो यहां पे कर लीजिए। प्लानर्स ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट कंप्लीट नीट प्रिपरेशन हम कराएंगे, ठीक है। आपको सेम चीजें फिजिक्स में भी मिलेंगी, केमिस्ट्री में भी मिलेंगी, बायो में भी मिलेंगी। सो कंप्लीट बेटा इट इज अ सॉल्यूशन, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो सॉल्यूशन, एंड 7500 में अगर आपको मिल रहा है, आई थिंक इसको ले लेना चाहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ठीक है, तो एक्चुअली क्या हुआ था बच्चों, आपसे मैं शेयर करता हूँ। चलो ऐसा था कि मैं लास्ट प्लेटफॉर्म अपना छोड़ा, ठीक है, और लास्ट प्लेटफॉर्म छोड़ के फिर यही था कि यार अपना करेंगे और बच्चों को पढ़ाएंगे, दिन रात एक करेंगे और बस ईमानदारी से काम करेंगे और कुछ नहीं। तो मैंने एक इंसान से, मतलब वो इंसान मेरे पास आए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो इंसान मेरे पास आए और बोले कि हम और आप पार्टनरशिप करते हैं, आप पढ़ाओ, पढ़ाई पे फोकस करो, क्योंकि आप ये सब देखोगे तो कैसे होगा, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए पढ़ाई फिर आपकी खराब हो जाती है, आप पढ़ा नहीं पाते हो, टाइम नहीं दे पाते हो, टाइम नहीं दोगे तो कोई भी चीज हाथ से निकल जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो मैं अपना एक पार्टनर बना लेता हूँ और वो पार्टनर अपना पूरा काम करेंगे, पीछे बैकएंड पे सब कुछ देखेंगे आप लोगों को, और मैं अपना पूरा फुल एनर्जी से पढ़ाता रहूंगा। यही हुआ, रातों रात 2-3 महीने तक मैं बहुत अच्छा काम किया, आपको शुरुआत में दिख रहा होगा एनर्जी एंड एवरीथिंग। बट 2-3 महीने के बाद रातों रात पार्टनर जी जो थे हमारे गायब हो गए, ना फोन ना व्हाट्सएप ना कुछ भी, सब बंद। जो अकाउंट में पैसे थे वो भी लेके गायब हो गए। वो रात वो दिन बहुत मुश्किल से गुजरा, मैं समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, फंस चुका था, बुरी तरह फंस चुका था। ना मेरे पास आगे एम्प्लॉयज को देने के लिए सैलरी के पैसे हैं, ना आगे मैं कैसे बैच लॉन्च करूं उसके लिए पैसे हैं, और वो गए तो गए, साथ में ये भी क्लेम करके गए कि स्टडी भारत मेरा है। और मैं ठहरा सच्चा इंसान, ब्लाइंड ट्रस्ट पे चलने वाला इंसान, तो मैं वो पूरे पैसे लेके गायब हो गए। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने कहा कि नहीं बच्चों अब बीच में मैं कुछ करूंगा। तो बीच में आपका ऐप ट्रांसफर हुआ था,
आप याद करो, वो पुराना ऐप से छोड़ के हम नए ऐप पे आए थे, वो उसी समय की बात है, मतलब नवंबर के आसपास ये हुआ और हमने अगस्त से चालू किया था, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने बड़ा अच्छा चला, नवंबर में काम खत्म हो गया और उसी महीने मेरा बर्थडे होता था। फर्स्ट टाइम आई हैव नॉट सेलिब्रेटेड माई बर्थडे इन माई लाइफ, फर्स्ट टाइम मैंने अपने लाइफ में बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि क्या करूं, सेलिब्रेशन के लिए क्या था मेरे पास, सब कुछ डार्क हो चुका था। लेकिन ये था कि बच्चों का होप मेरे ऊपर है और कुछ भी करके बच्चों के पास ये नहीं जाना चाहिए, अभी इतना वीक वीटी सर पड़ गए हैं, ये बच्चों के पास नहीं जाना चाहिए। तो मैं खुद के जो कमाए हुए पैसे थे पहले रखे थे कि कभी बीमारी में काम आएगा, मम्मी पापा अब ओल्ड एज के हैं, रखना पड़ता है पैसे कि कभी इस्तेमाल पड़ सकता है, कभी कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो कुछ इमरजेंसी फंड हमेशा रखना चाहिए। तो वो कुछ इमरजेंसी फंड थे जिससे कि आपके सारे लोगों की सैलरीज गई। बीच में मैं हाथ जोड़ लिया कि भाई स्टडी गार्जियंस नहीं दे पाऊंगा मैं सैलरी, तो उन्होंने भी बड़ा अच्छा समझा नहीं और पता नहीं वो भी गलत वे में छोड़ के चले गए, जबकि मैं सब समझ रहा था कि लोग सपोर्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं किया हुआ। और फिर उसके बाद मैं करता गया, पढ़ाता गया पढ़ाता गया, चेहरे पे सिकन, चेहरे पे खुशी बहुत दिन आपने नहीं देखी होगी, बहुत दिन तक, बहुत दिन हो गए मुझे खुश हुए हुए, ठीक है, मैं पिछले साल खुश हुआ था, लेकिन हार नहीं मानेंगे यार, हार नहीं मानेंगे। लाइफ में ये बहुत बड़ा झटका लगा मुझे, एंड लास्ट ईयर बहुत तगड़ा झटका लगा, इससे पहले मैं लाइफ में कभी रुका ही नहीं था। मेरे ऐसा इंसान, मैं सबको टकराते हुए, सबको चीरते फाड़ते हुए, मैं अपने आप को अंदर, मेरे अंदर दशरथ मांझी की आत्मा ऐसे थी कि मेरे सामने पहाड़ हो तो मैं तोड़ दूंगा, मैं टकरा जाऊंगा और मैं तोड़ दूंगा, मेरे अंदर इतना जिगरा था। लेकिन लास्ट ईयर शायद भगवान ने भी सोचा कि नहीं, थोड़ा सीखो, संभलो और थोड़ा स्टेप अच्छे से रखो। तो एक बड़ा झटका लगा, ऐप आपकी ट्रांसफर हुई, यहाँ भी हमने पढ़ाया और मैंने हर कोशिश करी है कि मैं अब आपके आपकी पढ़ाई ना रुके, तो चाहे सिलेबस कंप्लीशन हो, इसलिए मुझे पता था कि शायद फिजिकल केमिस्ट्री फंस जाएगा, तो इसलिए मैं शुरुआत से ही एक सेफ्टी साइड लेके चल रहा था, लेकिन अब फिजिकल केमिस्ट्री भी आपका हो ही रहा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैंने डिटेल में करा दिया सब कुछ, थैंक गॉड कि मैं अब एटलीस्ट कोई ये नहीं बोल पाएगा कि वीटी सर ने पढ़ाया नहीं या कंप्लीट नहीं कराया, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो चैनल भी उन्होंने स्ट्राइक कर दिया था बीच में, फिर आया, फिर वो स्ट्राइक कर दिया, फिर वो चला गया, और बहुत बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा। अब क्या है कि सब तरफ से अभी ऐसा ही है कि स्टडी भारत को एक जैसा होता है ना कि आपको मान लो एक छोटा बेबी हो और वो कुछ दिनों तक ही वो आप भगवान ने आपको बोला है कि 2-3 साल तक कि आप साथ रह पाओगे, वैसे ही एक स्टडी भारत एक बेबी था हमारा, और इसको एक सही मुकाम तक पहुंचा के और हम इससे टाटा बाय बाय करेंगे और देखते हैं फिर आगे क्या करेंगे। आई डोंट नो, आई डोंट नो।